वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कि हाउ टू क्रिएट हॉटमेल अकाउंट, कि हम हॉटमेल अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि हाउ टू क्रिएट outlook.com या outlook.in। जिन्होंने अभी तक उन अकाउंट को क्रिएट करना नहीं सीखा, वो जाकर उस अकाउंट को क्रिएट करना सीख सकते हैं, तभी आपको ईजिली हॉटमेल अकाउंट क्रिएट करना आएगा। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, वही स्टेप आपने फॉलो करने हैं। गूगल पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है आउटलुक। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो वॉच किया है उनको ये स्टेप्स पता हैं। ठीक है, आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। फर्स्ट इस पर क्लिक करना है outlook.live.com। सिंपल क्लिक करेंगे, साइट ओपन हो गई है। प्रोफेशनल जो ऑफिशियल इनकी साइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट फ्री अकाउंट, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने अकाउंट क्रिएट करने का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है outlook.com, बट हम outlook.com को ऑलरेडी क्रिएट करना सीख चुके हैं। हमने इस पे एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखो आपको hotmail.com शो हो रहा है। आपने क्या करना है, सिंपल hotmail.com पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी ईमेल को फिल करना है। ईमेल यानी कि सेंस ऑफ नेम, कि आप अपना नाम क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिमिलर वही नेम जो मेरा पुराना है, साहिल राठी 0676, ये रखूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। सिमिलरली आपसे पूछेगा का पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लेना है। पासवर्ड फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे पास सेव का बटन आएगा, तो आपने सेव कर लेना है क्योंकि आपके जो इस ब्राउज़र में है ये परमानेंटली सेव हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, तो सेव पर क्लिक कर लेना अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, आपको फर्स्ट नेम देना है यहाँ पर, तो फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं दे रहा हूँ साहिल, लास्ट नेम दे रहा हूँ राठी, और सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से वो कंट्री पूछेगा और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो आप कंट्री अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो इंडिया है, इंडिया ही सिलेक्ट किया हुआ है, ऑटोमेटिक वो आ चुका है, इंडिया ही आया है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 16 और मंथ होगा अक्टूबर और 1990। तो नेक्स्ट पर हमने क्लिक करना है। क्रिएट क्लिक करते ही अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, ऐड सिक्योरिटी इन्फो, पहले नहीं था, अब यहाँ पर हॉटमेल में ये क्या कर रहा है, आपसे एक न्यू फंक्शन, न्यू ऑप्शन यहाँ से पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, फ़ोन नंबर, ऊपर कंट्री कोड है, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग अपना कोड यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है नंबर, तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर फिल करता हूँ, आप अपना फ़ोन नंबर फिल कर सकते हैं। ठीक है, पर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सेंड कोड पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक कोड आएगा, उस कोड को आपने यहाँ पर नीचे फिल करना है, एंटर द एसएस कोड। तो ये कोड मेरे फ़ोन पर आएगा और यहाँ पर मैं कोड को फिल करता हूँ। 4 डिजिट का कोड होगा, आपने इसको फिल करना है यहाँ पर और सिंपल नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, थोड़ी सी प्रोसेसिंग यहाँ पर लेगा और आपको वेट करना है। अब वेट करते ही यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ चुका है स्टे साइन इन, तो यहाँ पर सिंपल आपको यस कर देना है साइन इन रखने के लिए। यहाँ पर मैं यस पर क्लिक कर रहा हूँ, ओके। और जैसे ही मैं यस पर क्लिक करूँगा, जो आउटलुक का जो प्रोफेशनल पेज है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो आपका outlook.com में भी ओपन हुआ था। इस बार क्या हुआ, हॉटमेल को क्रिएट करने के लिए कोई भी क्विज नहीं आई, कोई पजल नहीं आई। ठीक है, डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, नंबर लिया और OTP फिल करके अकाउंट क्रिएट कर दिया है। अगर आपके पास पजल आए, क्योंकि एवरी टाइम क्या होगा, अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है, तो आप अपनी पजल को सॉल्व कर सकते हैं। पजल सॉल्व नहीं होती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर सेंड कीजिए, आपकी हेल्प मैं कर दूँगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास फ़ोन नंबर डालकर OTP वाला ऑप्शन आता है तो इज़ बेटर। ठीक है, नहीं तो आप पजल भी आ सकता है, ओके। तो होप्स आपको ये अकाउंट क्रिएट करना आ गया होगा। आपको चेक करना है कि आपका अकाउंट कहाँ है, क्या है, तो राइट कॉर्नर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर लिखा चुका है साहिल राठी 0676@hotmail.com, ओके। अब आप इस अकाउंट को, हॉटमेल को एज अ जीमेल यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में, अपने किसी भी वेबसाइट्स को परचेज करने में। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।